हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष पेशवानी है। मेरी गेट में गेट 2020 में मेरी AAR 86 थी और मैं अभी M.Tech CSE कर रहा हूँ IIT बॉम्बे से। और मेरा प्लेसमेंट डे वन में हो गया था। मेरे को दो ऑफ़र मिले जिसमें जो फर्स्ट कंपनी थी, तो दोनों के पैकेज तो मैं एग्जैक्टली डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मैं अप्रॉक्स आपको बता देता हूँ। तो एक कंपनी का ऑफ़र था CTC 80 लैक्स और दूसरी कंपनी का 40 लैक्स। तो मैं आज आपको थोड़ा सा ये बताने वाला हूँ कि आप भी यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। मेरा जो BE वाला कॉलेज था, वहाँ के जो प्लेसमेंट थे वो इतने अच्छे लेवल के तो नहीं हैं, और बहुत कम कॉलेजेस के इतने अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। तो आप यहाँ तक, मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आप ग्रैब कर सकते हैं। तो जो मेरे को उस वक्त जब मैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में था अपने BE में, तो मेरा भी एक ड्रीम था, आपका भी होगा ही, कि अच्छा पैकेज लगे। सबका ही होता है, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि हम कंप्यूटर साइंस या कोई दूसरी ब्रांच से है और लोगों को इतना अच्छा पैकेज लगता है, तो हमें भी लगता है, हमारा भी लगे, एक ड्रीम सी बन जाती है। तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो जो उस वक्त सेकेंड ईयर में था, तो मैं भी ऑब्वियसली सीनियर से बात कर रहा था, नेट पर देख रहा था। तो जो मेरे लिए था सिंपलेस्ट लगा था कि मेरे को M.Tech जाना चाहिए, M.Tech करना चाहिए IIT से, एक अच्छे कॉलेजेस से, तो मेरे को वही लगा। तो फिर मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी सेकेंड थर्ड ईयर से। तो मुझे अभी भी लगता है कि एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे है, अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ करना है, गेट की प्रिपरेशन कीजिए। और गेट में अच्छी रैंक अगर लेके आनी है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई में, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। वो तो कोई भी वे अगर आप लोगे कुछ भी अच्छे प्लेसमेंट का, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो गेट में मैंने रैंक ला के मैं IIT बॉम्बे में ज्वाइन किया M.Tech में। और वहाँ पे जैसे आप ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब प्लेसमेंट के हिसाब से तो इतनी सारी कंपनीज आती है कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब बहुत सारी कंपनीज आती है, जो नाम लोगे कंपनीज के वो आती है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ पूरी मिल जाती है। तो मुझे वही चाहिए था कि अपॉर्चुनिटीज़, बस मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो एक वे है गेट से लेने का, तो आप भी ले सकते हैं। अब थोड़ी सी कट ऑफ की बात करूँ मैं, तो गेट में अगर आप जनरल कैटेगरी से है, तो अगर आप अंडर 2000 के आसपास रैंक ले आते हैं, तो आपको एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और वहीं पे अगर आप OBC से है अगर, तो आपको 4K to 5K तक डिसेंट कॉलेज मिल जाता है। और अगर आप SC ST से है, तो 7K to 8K तक आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो यहीं मार्क्स की बात करें, तो 35 से लेके 40 तक आपकी रैंक है, आपके मार्क्स है, तो आपकी रैंक ऑलमोस्ट 7K to 8K के आसपास आ जाती है। और वहीं अगर आपको 2K के अंदर लेके आनी है, तो 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट है और डिसिप्लिन है, तो ये मार्क्स आ सकते हैं। तो ये 50 प्लस मार्क्स लाना काफ़ी आसान हो जाता है गेट में, गिवन कि आप बहुत कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन है। तो ये प्लेसमेंट तो हो ही गए, लेकिन आप कोई नेशनल कॉलेजेस में हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है प्लेसमेंट्स की, प्लस आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है रिसर्च करने की। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जिनका एम होता है प्लेसमेंट का, लेकिन वहाँ जाके रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ देख के उनका इंटरेस्ट रिसर्च में चले जाता है। क्योंकि मतलब जैसे हमारा कॉलेज था, उसमें इतना रिसर्च वर्क नहीं था, और बहुत कम कॉलेजेस में अच्छा रिसर्च वर्क होता है। तो नेशनल कॉलेज वो भी एक पॉइंट होता है कि रिसर्च वर्क बहुत बहुत अच्छे लेवल का होता है, प्लस आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, प्लस रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती है। और अगर आपको गेट के लिए कैसी भी क्वेरी है, तो आप gate@zeel.co कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट डिटेल्स और सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।